नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए और शानदार श्रृंखला को देखते हैं। ये बीपीएससी बिल्कुल पास है, ये आपको एक हफ्ते पहले रिवीजन के लिए यह श्रृंखला लेकर आया हूँ। शानदार तरीके से आप सबने रिवीजन किया, कल के क्लास में भी आप सबका अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। जो लोग जवाब दे रहे थे वो बिल्कुल सही दे रहे थे, और आप सब में से जिनका भी पेपर है सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हृदय की अनंत गहराइयों की ओर से, स्टडी 91 परिवार की ओर से, अमरेश पांडे की ओर से विशेषतया, ठीक ना। तो आइए हम सब एक शानदार श्रृंखला को करते हैं एक घंटे में, लेकिन जल्दी जल्दी करिएगा। एक घंटे में हमको एक घंटा से भी कम समय लेना है और 100 क्वेश्चन एकदम पीट के खत्म कर देना है। देखिए अपने स्पीड विथ एक्यूरेसी के साथ कितने सही होते हैं ये बातों को, ठीक। तो चलिए हम लोग एक श्रृंखला को देखते हैं। ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि निम्न को सूची का मिलान करिए। अब किससे किसको कौन से बीमारी होती है, तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। त्वचा कैंसर परावैगनिक किरणों के कारण होता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि आपको किसके कारण होती है, तो CFC के कारण क्लोरोफ्लोरो में छिद्र होता है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का आपको जो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये दो बिल्कुल मिलाते चलिए। इसी तरह से बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत तेजी से उत्तेजित होने की जरूरत नहीं और आराम से प्रश्नों को करते चलिए, ठीक ना। और बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हर के हल हल्का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या लोथल से। तब इन सभी स्थानों से जो है बनावली से आपको जो है हल्का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है। टेरा कोटा का मतलब होता है मिट्टी के पके हुए बर्तन टाइप में या खिलौने के टाइप में यह बना हुआ है, जबकि कालीबंगा से काले रंग की मिट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, और धौलावीरा से आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जानकारी प्राप्त होती है। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है, शाही पत्राचारों से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित है। इसका मालिक जो है आरिज ए मुमालिक कहलाता है, ठीक ना। आरिज ए मुमालिक, ये मुमालिक के नाम से जाना जाता है और इसके विभाग को भी बोलते हैं, इसे मुख्य सेनापति कहते हैं या सेनापति कहकर संबोधित कर सकते हो। इसे सेनापति को आरिजे मुमालिक कहा जाता है। दीवाने अर्ज विभाग के स्थापना बलबन के काल में हुई, किसके, बलबन के काल में हुई, ठीक ना। ये बातें भी आप सब जल्दी से देखते चलिए। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन हसन या आपको जो है फिरोज शाह, महमूद गवां या आशफ खां। तो अलाउद्दीन हसन गंगू जो था ये आपको जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य के नींव कपड़े थे, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपको इसके नींव पड़ी थी। जसवंत और दशावन ये दो प्रसिद्ध मुगल चित्रकार किसके दरबार में थे, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के, किसके समय के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जसवंत और दशावन जो थे ये दोनों अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। दशवंत तो उस समय के आपको प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे, जबकि आपको जो है कि जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी स्वर्णिम स्थिति में थी, स्वर्णकाल कहा जाता है, और इसके समय में मंसूर पक्षियों के चित्रकार और अबुल हसन जो थे ये आपको जो है के व्यक्ति चित्र के चित्रकार माने जाते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो आपको मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार
खलजी ने भैया खिलजी या अली मर्दान खिलजी, तब आप जवाब दीजिएगा कि बख्तियार खिलजी ने ही सर्वप्रथम 1193 ईस्वी में बिहार को जीता था, और बिहार के बाद इसने 1199 ईस्वी तक बंगाल तक आक्रमण किया, बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था, तो इसी के द्वारा आपको जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको 415 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, इसे आपको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह जो था ये झारखंड के छोटा नागपुर से था, ठीक ना, छोटा नागपुर क्षेत्र से आपको था, नागपुर क्षेत्र से था, और आपको यह 1855 से 56 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह की खासियत बच्चा ये थी कि ये आपको 1857 की क्रांति से पूर्व होने वाला विद्रोह, 1857 की क्रांति से पूर्व होने वाला विद्रोह पूछता है, तो आपको संथाल विद्रोह, इसी में मेजर जनरल बारो को जो है विद्रोहियों ने मार डाला था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा परीक्षा से हटाए गए थे, उन्हें 1874 में, 1877 में, 1885 में या 1892 ईस्वी में, तब बताएगा 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसे हम बिना ताज का बादशाह कहते हैं, ठीक ना, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज के बादशाह कहे जाते हैं, बड़े ही बौद्धिक व्यक्ति हैं, और इन्हें आईसीएस की परीक्षा से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, ये आपको जो है के बातें हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुंड्रो को या लॉर्ड मैकाले को, सर लियोनेल कर्टिस को, तब आप बताएगा द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो बताइएगा कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जबकि आपको जो है 1772 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से फॉर होम डिलीवरी, और ये जबरदस्त तरीके से आपको 7007734525 पर आप इसे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ये सिर्फ बिहार वालों के लिए ही नहीं है, ये आपको एक बहुत बहुत बड़ी प्रश्नों की श्रृंखला है, एक घंटे में 100 प्रश्न करना कोई आसान भी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि एक घंटे में आप सबको 100 प्रश्न दूं और आप सुने, सिर्फ एक आपके मेमोरी को जो है रिमाइंडर करने के लिए, ठीक ना, जो आपके ब्रेन में जो उसको एक मेमोरी है, जो फीड है, जहां पे अनकॉन्शियस मेमोरी है, उसको जागृत करने के लिए। सागरों में सबसे किसमें औसत लवणता सबसे अधिक है, काला सागर में, पीला सागर में, भूमध्य सागर में या मृत सागर में, तो सबसे अधिक लवणता जो है लगभग 330% के आसपास आपको मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई गई है, ठीक। निम्नलिखित स्थानों में से कहां तांबा उद्योग स्थापित है, तारापुर में, टीटागढ़ में, रांची में या आपको खेतड़ी में, कहां पर आपको उद्योग है, तब आप बताइएगा खेतड़ी जो है तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और ये कहां है, तो राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में है, और यहां पे खेतड़ी में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी इसकी जानकारी, सिंधु सभ्यता के समय भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ये इतना प्राचीन है, और मकराना की खान जो है संगमरमर के लिए, ये दोनों आपको बहुत प्राचीन समय से जानकारी मिलती है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, महानगरों को जोड़ने वाला आपको रेल है या प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है या राष्ट्रीय व्यापार
का मार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको जो है परियोजना है, और ये परियोजना जो है यहां से दिल्ली है, दिल्ली से आपको कलकत्ता है, कलकत्ता से आपको जो है मद्रास है, मद्रास से आपको बंबई है, और बंबई से दिल्ली, ये इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक ना। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया योजना माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों में से आपको अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों कहां पे मिलती हैं? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में? तो देवप्रयाग में आपको अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां आपको प्राप्त होती हैं या मिलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसे जुटा सकता है? तो ये काम आपको कौन करता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, नगरीय बॉन्ड या शून्य कूपन बॉन्ड, तब ये आपको बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसे जुटा सकता है। तो ये मसाला बॉन्ड जो है, ये काम मसाला बॉन्ड के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में कौन बताता एवं प्रकाशित करता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूरोपीय यूनियन? तब बताएगा कि यह प्रकाशित करने का काम जो है विश्व बैंक समूह का आपको मान दिया गया है। विश्व बैंक समूह के द्वारा आपको इस तरह के जो है रिपोर्ट सौंपी जाती है, बताई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय आपको भुगतान संतुलन, इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं, चाहे भारतीय हो चाहे कहीं के, स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सक्षम नहीं है बच्चा? तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपए का उन्मूलन करना, या आयातों पर अधिक कर लगाना, या निर्यातों पर अधिक कर लगाना? तो भारतीय व्यापार संतुलन की स्थिति के सुधारने में सक्षम नहीं है, तो वह है निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये आपको जो है सक्षम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न भारत में आपको सेवा कर किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया? तो सेवा कर आपको राजा जे चलया समिति के सिफारिश पर भारत में लागू किया गया था। सेवा कर ये आपको 1994-95 में राजा जे चलया समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू हुआ, और देखते ही देखते सेवा कर के भागीदारी भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक यहीं से, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखिए, आपको भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र की मिले हैं, ठीक ना। सबसे अधिक मिले सूती वस्त्र के महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट देखिए, जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से आपको कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, डीएनए या आपको आरएनए? कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए आपको जो है ये जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षण को एक दूसरे में जो है भेजने का काम या नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तब बताएगा डीएनए आपको करता है। डीएनए का सिद्धांत द्विकुंडली सिद्धांत को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल आपको शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह काफी फायदेमंद भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? आपको जो है केस सल्फागु आडीन है या क्लोरोफेम है, स्प्रीन है? तब इस प्रश्न के जवाब में आप बताइएगा कि आपको क्लोरामफेनॉल जो है ये आपको जो है प्रतिजैविक औषधि के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 21 साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में आपको आया, और इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय आपको स्थापित हुआ, ये बातें भी आप सबके लिए शानदार तरीके से है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? ये मीडिया नियंत्रण एक्ट आपको जो है 1935 में भी पारित किया गया, 1967 में भी, 1978 में भी और 1908 में भी। तो इसके समय में ये मेयू के समय में ये पारित हुआ। ये आपको किसके समय में? तो लॉर्ड आपको जो है लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। ये किसके, ये आपको किसके समय में? तो विलियम बेंटिक के काल में, बेंटिक के काल में, और ये आपको आया लॉरेंस के काल में, ठीक ना। तो ये सारी बातें आप सब लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने। तो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश आपको जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई, और ये सिफारिश आपको 1957 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया, पंचायती राज व्यवस्था के तहत, ठीक ना। ये बातें भी आप सब याद रखे रहेगा, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, आपको ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर। भू आकृतियों में से कौन के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? यानी जो बिहार है, बिहार का उत्तर पश्चिम भाग जो है, उत्तर और पश्चिम ये वाला भाग किसके द्वारा? तब ये सीधे सीधे सोमेश्वर की पहाड़ी से आपको जो है ये घिरा हुआ है। किससे? सोमेश्वर की पहाड़ी से। आपको यहीं पे हरहा नदी है और यही सोमेश्वर की पहाड़ी है। आपको जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से उत्तर पश्चिम भाग जो है घिरा हुआ है। राजनीतिक रचनाकार के लेखक कौन है? चंदेश्वर है, विद्यापति है, जोगीतेश्वर है या रामलाल है, ठीक ना। आप जो है कि रामलाल है, ये आपको इसमें से तब जवाब दीजिएगा कि आपको चंदेश्वर जी जो है यही आपको राजनीतिक रचनाकार के लेखक है। इंसुलिन है, क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या आपको जो है विटामिन्स है, तब बताएगा कि इंसुलिन हमेशा प्रोटीन के रूप में काम करता है, ठीक ना। इंसुलिन प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का, सीडेराइट का, लिमोनाइट का, मैग्नेटाइट का। तब आप बताएगा कि बैलाडीला से आपको जो है ये कौन सी होती है? तब हेमेटाइट, लोहे के हेमेटाइट, लोहा यहां से प्राप्त किया जाता है। बैलाडीला कहाँ है? तो कर्नाटक में, कुद्रेमुख और कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बैलाडीला आपको सर छत्तीसगढ़ में है, या देखना पड़ेगा, भूल गया हूं। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। तो ज्वार एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक ना, खरीफ फसल है। बाकी की चीजें आप अपने से चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। बैंक दर का आज से क्या है? तो बैंक दर उसे कहते हैं जब आपको जो है के सामूहकार साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर जो है ये बैंक दर कहलाता है, ठीक ना, ये आपको बैंक दर कहलाता है, साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभप्रद भी होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको चीजें समझ में भी आ रहा होगा और शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। अच्छा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक होता है? ट्रेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, या विनाइल क्लोराइड का, क्लोरोपीन का, या एसिटिलीन डाइक्लोराइड का। तब इस प्रश्न में आप बताइएगा कि यह टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का आपको बहुलक होता है। निम्न में से किसके आपको मात्रा अम्ल वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी होती है? तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होती है। धरती पर पहली बार अम्लीय वर्षा की जानकारी नॉर्वे में मिली थी और वर्षा सूचकांक जो है अम्लीय वर्षा सूचकांक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः
क्या मिला होता है, तो एलपीजी में आपको जो है ये किसका मिला होता है, तब बताइएगा ब्यूटेन मिला होता है, जबकि गोबर गैस वाले में, गोबर गैस में आपको क्या होता है, तो मीथेन होता है। ये बातें भी आप याद रखे रहेगा। और आपको जो है एलपीजी में महक का कारण क्या है, ठीक है, क्यों महकता है, तो आपको जो है मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण एलपीजी में सुगंध आती है या बदबू जो आती है उसे कहते हैं। साबुन या गिज को हटाया जाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या परासरण द्वारा, तब आप बताइएगा कि इसे हटाने का तरीका पायसीकरण द्वारा साबुन गीज को हटाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में आपको भूमिका अदा करता है, तब ये ऑक्सीटोसिन करता है, यही आपको ऑक्सीटोसिन नामक जो है इसी के स्राव से आपको जो है कि ये आपको दूध निकलता है, ठीक ना। और ये पशुओं को दिए जाने वाला ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा, जैसे दुधारी पशु हैं और उनके बच्चे उच्चे मर जाते हैं, तो वैसे ये आपको इसी का इस्तेमाल लोग करते हैं। और साथ ही साथ इसी ऑक्सीटोसिन के कारण है यह वायु, यह मतलब के वातावरण से गिद्ध जो है ये गायब हुए हैं, तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही। आयोडीन कृत लवण में क्या आपको रहता है, क्या रहता है, मुख्य आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, तब आप इसका जवाब देंगे तो ये आपको पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहता है, ठीक ना, किसके रूप में, तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में आपको रहता है। नेक्स्ट चलिए, बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड या फिनॉल तथा फॉर्मिहाइड, तो फिनॉल तथा फॉर्मिहाइड से आपको जो है बैकेलाइट के संघनन का कार्य होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग जो है वनस्पति घी से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में प्रयोग करने के लिए आपको जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे बड़े पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो वैज्ञानिक रूप से आपको जो है वी के आर वी राव जो है इन्हीं के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। वैसे दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 20 रुपए बतलाया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव जो था इसी के द्वारा कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। नान्य देव, ये कर्नाट वंश कहां का है, तो मिथिला और उसके आसपास का क्षेत्र जो है ये कर्नाट वंश के नाम से जाना जाता है। एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से ये कोर्स है और आपको यूपी टेट से संबंधित वे मिलेगा। कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था, तो आपको हरि सिंह जो था ये कर्नाट वंश का अंतिम राजा माना जाता है, हरि सिंह, ठीक ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के की बात है। आपको चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी, तो चीनी यात्री सुंग यून ने लगभग 515 से 520 ईस्वी के आसपास ये आपको भारत की यात्रा पर आया था, ठीक, वेन सोंग से पहले आया था और फाहियान के बाद आया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है गुप्त काल में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था, तब जवाब दीजिएगा बिना जूती हुई भूमि और जंगली भूमि को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो अपरहत भूमि के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित स्थानों का मिलान करें, आपको जो है कि जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये बातें आप सबको पता है, ठीक ना। और आपको जो है कि बेंगलुरु किसके लिए, तो वायुयान के लिए बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कोरबा एल्युमिनियम के लिए है, तो मलाज खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो पहले का आपको तीसरा, दूसरे का चौथा, 1 और 2, ये आपको जो है तीन चार एक दो ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर हुआ। मैं बंगाल और बिहार के भूमि का
किरायेदारों के अधिकारों को बंगाल किरायेदारी अधिनियम दिया गया था। तो 1885 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपको यह किरायेदारी अधिनियम दिया गया था, ठीक ना। ये बातें भी आप सब देखते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर में यानी जिसे लीक्यूमिया के नाम से जानते हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो का समस्थानिक कौन है? तो लीक्यूमिया में आपको जो प्रयुक्त होता है इसे हम सब क्या कहते हैं, कोबाल्ट 60 से। और आपको कोबाल्ट 60 किसमें पाया जाता है, B12 में आपको जो है साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और इसी में कोबाल्ट 60 पाया जाता है जो कि ल्यूकेमिया के रोकथाम में आपको कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में त्वचा आपको विटामिन ए भंडारित होता है, कहां पे? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यह यकृत में भंडारित होता है, किसमें? यकृत में भंडारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है? तो यह विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है यह प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष का मतलब आपको जो है जब ब्लडिंग होने लगती है तो ब्लडिंग रुकती नहीं है, क्लॉथिंग नहीं होती है, ठीक ना। तो उसको क्लॉथिंग करने का काम आपको कौन करता है, तो विटामिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपको जो है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य क्रांति को नीली क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति, और सरसों को पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और ऊर्जा क्रांति में आप ऊर्जा आएंगे कोयला वेला तो देखिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, 1951 से 56 तक, और इसे हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं। ये आपको सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है के महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, ये 1956 से 61 तक सेकेंड पंचवर्षीय योजना रही। नेक्स्ट आपको लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से टेस्ट सीरीज लॉन्च है, और जल्द ही लेखपाल की परीक्षा होने वाला है। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए लेखपाल का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत तीन शब्द जोड़ा गया, एक समाजवादी, दूसरा आपको जो है के समाजवादी पंथ धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया, निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, इन तीन शब्दों को आपको जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये बातें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको किया गया था, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बिल पारित होता है, तो वह साधारण बिल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये किसी विशेष बल की जरूरत नहीं, ये साधारण बिल के नाम से आपको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कब करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति जो है ये आपका प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल नंबर जो है 53 में जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और वो सारी शक्तियां स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। निम्नलिखित पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन के नाम से जानते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के नाम से जाना जाता है। और सेवराय की पहाड़ी ये अंतिम मानी जाती है, और आपको ये कार्डेमम की पहाड़ी के पास स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है, ये द्रविड़ियन प्रजाति के लोग आपको भारत में कहां है, तो दक्षिणी भारत में, खासकर कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में आपको द्रविड़ियन है। और एक याद रखे रहिएगा, राहुल द्रविड़ का नाम, और राहुल द्रविड़ चूंकि दक्षिण भारत से है, और द्रविड़ को दक्षिण भारत से जोड़ दीजिएगा, ठीक ना, ये गलती न करिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासन काल में आया था, तो देव राय द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रज्जाक 1442-43 ईस्वी में आपको आया था, ठीक ना, देव राय द्वितीय के शासन काल में यह आया था। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल क्या है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को ही गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, इसे हिग्स के द्वारा खोजा गया था।
तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप जवाब दीजिएगा तेल नदी उपयुक्त में से किसी की नहीं, ये शायद तेल नदी महानदी की सहायक है। किसकी? महानदी की सहायक तेल नदी है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तब इस प्रश्न में आप जवाब दीजिएगा एक से अधिक, क्योंकि महामेघ वाहन वंश और कलिंग वंश ये दोनों एक ही है। महामेघ वाहन वंश जो है ये चेदी वंश का संस्थापक है, चेदी वंश का संस्थापक है। इस परीक्षा को संस्थापक, ये आप प्रश्न को बड़ी सावधानी से करिएगा, उपयुक्त कोई नहीं में से, ठीक ना। और वही चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं महामेघ वाहन वंश इसका नाम जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, ओदंत ओदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में था? तो ओदंतपुरी जो था यह बिहार राज्य मुंगेर में है, ठीक ना, मुंगेर में है। और इसकी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा जो है लगभग 750 से 770 ईस्वी के बीच में आपको गोपाल के द्वारा किया गया है, ठीक। तो ये बातें हैं। नितिन सर के द्वारा शानदार ग्रामीण विकास अधिकारी बैच हमारी संस्था की ओर से लॉन्च है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी आपको सहायक भी होगा। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? यह प्रश्न थोड़ा सा टफ है। उद्वंत प्रकाश ये यदा कदा प्रश्न आया है, बीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक ना। मौली कवि जो है उद्वंत प्रकाश के लेखक है, कौन? तो मौली कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय आपको किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आपको जो है लखनऊ में किया गया था, और इसके महासचिव रंगा स्वामी आपको जो है कि यही थे, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय व्यवसाय ठीक ना वायसराय है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई? लॉर्ड रिपन, लिटन, मेयो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह उपाधि किसके समय में दी गई? तो हार्डिंग द्वितीय के समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में यह उपाधि दी गई थी, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न अगले प्रश्न में, अच्छा ये रहा, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, अब तो एकमात्र राज्य नहीं रहा, अब तो केसर का उत्पादन कर्नाटक और मेघालय साइड में भी होने लगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है केसर का उत्पादन करता है, और ईरान केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ईरान प्रथम स्थान पर विश्व में आपको केसर के उत्पादन में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य लिंगानुपात में सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात में हरियाणा राज्य जो है ये सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का ही है, ठीक ना, हरियाणा राज्य का सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि दर तय किया गया? तब बताइएगा कि यह 17.64 प्रतिशत जो है वृद्धि दर्ज किया गया, ठीक ना। ये बातें आप सबके लिए है। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तब इस प्रश्न के जवाब में स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन उसका लाभ जो है वो कौन लेता है? तो राज्य लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिरित नहीं है? विटामिन डी, B1 संतरा, ये विटामिन सी का स्रोत है यार। तो उपयुक्त आपको जो है यही आपको 68 का पहला नंबर जो ही है ये भी है। विटामिन ए, अच्छा विटामिन डी, ये आपको विटामिन ई के अंकुरित, तो आपको विटामिन सी लगाइएगा, ठीक ना, विटामिन सी जो है ये जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेराल के नाम से जानते हैं? तो ये आर्गो कैल्सीफेराल आपको जो है बच्चा ये बताइएगा, विटामिन D2 को आर्गी कैल्सोफेराल कहते हैं, और विटामिन D2 की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी जो है छोटे बच्चों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? रेटिनॉल या टोकोफेराल, साइनोकोबालमिन या आर्गोफेराल? तो आर्गोफेराल आपको जो है इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? तो टोकोफेराल से बेरी बेरी नहीं होता, बेरी बेरी आपको किसमें होता है? तो थायमीन की कमी से, ठीक ना, थायमीन की कमी से मीन, थायमीन
थायमिन की कमी से आपको वेरी वेरी, तो इसलिए ऑप्शन संख्या जो है 2 इज योर राइट आंसर होगा। ये वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से और यूपी लेखपाल के भी बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से चालू है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। सूची वन को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही सहायता से आपको मिलाना है, ठीक ना। आपको मिलाइए फ्रेयन, एस्पोट्रम, नियोप्रेन, वेनाड्रिल, ये आपको मिलान करने के लिए आइए, हम भी मिलाते हैं, आप भी मिलाइए, ठीक ना। तो मिलान करते हैं, वेनाड्रिल जो होता है ये संश्लेषित रबर के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो ये सॉरी एक मिनट बच्चा, ये आपको जो है, हाँ ये प्रश्न रहा, ये एक मिनट चलिए मिलाते हैं आपको। एस्पोट्रम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है, फ्रेयन जो होता है ये संश्लेषित रबड़ होता है, नियोप्रिन जो होता है ये आपको क्या होता है तो प्रति एस्पिरिन होता है, और वेनाड्रिल प्रशीतक होता है। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा का यह ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर आपको होगा। 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तब आप इस प्रश्न में बताइएगा कि पूर्णिया जिला जो है ये बिहार के साथ साझा नहीं करता, ठीक ना। पूर्णिया बिहार के साथ साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो एकमात्र नहीं है भैया, ये महाबोधि भी है, नालंदा भी है, आपको जो है विक्रमशिला का मठ कई चीजें शामिल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जो है इस प्रश्न का जवाब आपको होगा, ठीक ना, एक से अधिक। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो बाढ़ सुपर थर्मल स्टेशन जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ठीक ना, सरस्वती के नेतृत्व में ही किया गया था, ये बातें भी याद रखे रहिए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो यहाँ पे 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक ना। बिहार से बिहार एक अलग राज्य बना, हाँ 37 में बिहार से उड़ीसा जो है ये अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो दूसरे राज्यों की तुलना में भैया यहाँ पे न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है या उच्चतम से द्वितीय है, तो न्यूनतम से आपको द्वितीय है, ठीक ना, न्यूनतम से द्वितीय आपको माना जाएगा। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो वह राज्य बिहार है, जहां पे सबसे न्यूनतम आय के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्रफल से सिंचाई होती है, तब आप जवाब दीजिएगा कि त्रिवेणी नहर जो है सर्वाधिक त्रिवेणी नहर से ही बिहार में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग, और दूसरा जिसे तिरहुत कहते हैं, तिरहुत, और दूसरा जो है पश्चिमी भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सायन के नाम से जानते हैं, सायन, ठीक ना। तो ये आपको जो है कि त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे बड़ी नहर है, यह बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों की योजना है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से रेशम का वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है, मोतिहारी, बाजारी, भागलपुरी या डालमिया नगर, तब आप जवाब दीजिएगा कि भागलपुर जो है ये आपको सिल्क के उत्पादन में केंद्र माना जाता है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किसके साथ है? तो जीविका का संबंध जो है रोजगार सृजन से है, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन उपयुक्त सभी से है, ठीक ना, उपयुक्त में से सभी से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन है, पुनपुन है, बकरी है, बालन है। तो पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के समीप, आपको जो है पटना से थोड़ा सा पहले फतुहा जगह यही पे गंगा में मिलती है। कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे संबंधित है? तो उत्तरी बिहार जो है ऊपर वाला जो है CWG है, ठीक ना, ऊपर वाला आपको कौन सा है तो CWEG है, और नीचे वाला यानी दक्षिणी बिहार की जलवायु, दक्षिणी बिहार की जलवायु आपको AW से प्रदर्शित किया गया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जो है ये बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला माना जाता है। जूट उत्पादन में बिहार का आपको देश में सेकंड स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको उड़ीसा जो है, उड़ीसा तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल जो है पहले नंबर पे, और बिहार जो है ये दूसरे नंबर पे है। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां संपन्न हुई थी? नई दिल्ली, नैरोबी, अंगोला या आपको मिस्र में? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि नैरोबी में आपको जो है यह संपन्न हुआ था, केन्या की राजधानी नैरोबी है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो 3 दिवसीय शीतकालीन आयोजन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में आपको, या न्यूजीलैंड में, या वेस्ट इंडीज में, या भारत में? तब आप बताइएगा कि न्यूजीलैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता रहा, और आपको इंग्लैंड उप विजेता रहा, ठीक ना, इंग्लैंड उप विजेता महिला विश्व कप का रहा, ठीक, ये बातें भी याद रखिए। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड से आपको जो है सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। उस्ताद अहमद अली खान को जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक थे, ठीक ना, बांसुरी के ये यही प्रयागराज, बांसुरी वादक थे और ये प्रयागराज के रहने वाले थे, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे, ठीक, ये बातें भी याद रखे रहे। भारत के बाहर किस देश में भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान अपनी नई शाखा खोल रहा है? तो UAE में, ठीक ना, सऊदी अरब अमीरात में जो है कि भारत अपनी शाखा खोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से इसे पढ़ाया गया है, जाना गया है, आप इसे जरूर से देखते चलिए, एकदम जबरदस्त, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। देखिए गला एकदम जवाब दे दिया है, ठीक ना, ये देखिए, हाल ही में कुंबलांगी गांव देश का पहला सेनेटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, या कर्नाटक में? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको कुमलांगी गांव जो है ये केरल में है, जो कि देश का पहला सेनेटरी आपको पैड गांव के रूप में मुक्त है, ठीक। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में वर्ल्ड कप हो रहा था, उसी समय आपको भारत के ही ऋचा घोष जी जो है ये सबसे तेज 50 लगाने के मामले में आपको जो है हाईलाइटेड रही। नेक्स्ट देखिए, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव, ठीक ना, में भारत और किस देश के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है 2020 का आयोजन किया गया? तो धर्म गार्जियन जो है ये हर बार से भारत और जापान के बीच आयोजित होता आया है, किसके बीच? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नामक युद्धा अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? ई बेस्ट इको पार्क गुजरात में, हरियाणा में, नई दिल्ली में, या पंजाब में? तब आप जवाब दीजिएगा कि नई दिल्ली में ई बेस्ट इको पार्क आपको जो है केजरीवाल सरकार में बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट आपको यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा जो है ये इसी के लिए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस बुलाने के लिए ये आपको जो है कि यह अभियान लाया गया। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, ठीक है ना, सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी आपको कौन सी है, तब आप जवाब दीजिएगा कि यह एल्कून्स, ठीक ना, ये आपको यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये आपको रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं, तो मैगनसन कार्लसन को हराने वाले ये आपको रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है सबसे कम उम्र के आपको जो है ग्रैंड स्लैम विजेता जो है, ग्रैंड स्लैम करें आपको बोलते हैं क्या, ग्रैंड मास्टर विजेता आपको जो है बने हैं। हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप राज्य में लॉन्च किया गया, तो IIT रुड़की द्वारा आपको जो है यह आपको कहां, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या गुजरात, तो उत्तराखंड में रुड़की है और रुड़की यहीं पे आपको जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए आपको किसे दिया गया, तब चंद्रभानु ख्याल को, हुसैन उल हक को, या श्री रहमान अब्बास को, अरुंधति सुब्रमण्यम को, तो चंद्रभानु ख्याल को जो है ये आपको उर्दू साहित्य का जो है के अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या गुजरात, तब बताएगा सिक्किम राज्य में आपको नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया जिसे नरेंद्र मोदी मार्ग नाम दिया गया है। तो ये वीडियो की शानदार श्रृंखला आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद भी और जबरदस्त तरीके से संस्था के द्वारा लिखा भी गया है, ठीक ना, तो ये जरूर परचेज करिए और आप सबके सुनहरे भविष्य में सहायक होगा। इस तरह से उम्मीद है कि लगभग आप सबने 50 मिनट में 100 क्वेश्चन किए, यानी आप जो है 30 सेकंड में एक क्वेश्चन इतनी तेजी से बोल रहा था, आप सब भी सहयोग में थे, इसके लिए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। 50 मिनट में 100 क्वेश्चन परीक्षा में मार कराइएगा, सैल्यूट है आप सबको और एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबका कोई भी पेपर नहीं रुकेगा, ये उम्मीद यही करता हूं, क्योंकि देखता हूं कितने प्रश्न इस परीक्षा में आपको इस श्रृंखला से आते हैं। 7 दिन की श्रृंखला है आपको जो है कि 1 तारीख से शुरू है और आपको 7 तारीख तक चलेगी, ठीक ना, आज 5वां तारीख है, आज आप सब के लिए यह शानदार श्रृंखला है और एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब तैयारी करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।